नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं मेरा YouTube चैनल शिवम मोबाइल। तो जैसे कि फ्रेंड्स, मेरे पास अभी जो फ़ोन है वो वीवो का V15 Pro फ़ोन है। ओके, जो कि आप देखते हो तो मैंने फ़ोन को पूरा डिसेंबल कर रखा है। ओके, तो इसमें फ्रेंड्स प्रॉब्लम बहुत ही अजीब है। ओके, तो जैसे मैं आपको अभी मैं दिखा रहा हूँ, प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है और बहुत कुछ भी है। ओके, जैसे कि ये आपने देखा कि मैंने जस्ट फ़ोन ऑन किया, अभी आप ये देखना क्या हरकत करेगा। ओके, जस्ट फोन ऑफ हो गया। ये देखो बैटरी इसमें 0%, यानी बैटरी इसमें ये शो कर रहा है कि बैटरी इसमें बिल्कुल नहीं है और बैटरी इसमें 64% है। ओके, अब मैं जब इसको चार्जिंग पे प्लग करूँगा तो उसके बाद जो है ये फ़ोन कंप्लीट अभी ऑन होगा। ओके, ये आप देख सकते हो फ्रेंड्स। तो इसमें ऐसा क्या होता है फ्रेंड्स, जैसे कि बहुत लोगों के मन में होता है कि हाँ फ्लैशिंग करनी है या पावर डैमेज है, मतलब बहुत से मन में सवाल उठते हैं। फिलहाल मेरे भी उठे थे, ऐसा नहीं है, मैंने भी सोचा कि हाँ ये प्रॉब्लम हो सकती है, बट स्टेप बाय स्टेप चेक करने के बाद मुझे कंफर्म हुआ। ये आप देख सकते हो 64% बैटरी है, बट फिर भी ये 0% शो कर रहा था। अब जस्ट मैं जब इसे चार्जिंग से निकाल दूंगा तो आप ये देखना अभी जस्ट फोन ये स्विच ऑफ हो जाएगा। ओके, तो बहुत से लोगों के मन में होगा कि चलो इसको मैं फ्लैश करके देखता हूँ, या तो फिर पावर प्रॉब्लम या CPU प्रॉब्लम, ये सब चीज़ें बहुत लोगों के मन में जो है ये रॉकेट साइंस चलता रहता है कि हाँ ये करना चाहिए वो करना चाहिए, बट ऐसा आपको कुछ नहीं। इस वीडियो को अच्छे से और ध्यान से देखना। ओके, तो आपको ये फ़िलहाल 100% जेन्युइन तरीका है। ओके, बहुत अच्छा तरीका मैंने इसमें बता रखा है, क्योंकि मैं कई फ़ोन रिपेयर कर चुका हूँ और मैंने सोचा चलो इस पर भी एक वीडियो बना देता हूँ। तो इसमें फ्रेंड्स बैटरी की फॉल्ट है। ओके, इसमें बैटरी की दिक्कत है। मैंने बैटरी को अच्छे से जो है इनको निकाला, फिलहाल हिसाब से निकालना क्योंकि फ्लेक्स वगैरह लगे होते हैं। ओके, और इस बैटरी को ऊपर का जो टेप लगा है येलो कलर का, इस टेप को आपको हटाना है। ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं, बस बहुत हल्का सा काम है और आपकी प्रॉब्लम 100% सॉल्व होगी। क्योंकि मैंने कई फ़ोन अभी हो गए 4-5 दिन, मैंने Y20 का फ़ोन ऐसे ही बनाया था, सेम प्रॉब्लम यही थी। ओके, और ये फ़ोन भी मैंने जैसे उसमें किया था वैसे ही मेथड इसमें भी मैंने यूज़ किया, तो 100% डन हो गया। तो या फ्रेंड्स देखो, मैंने बैटरी को पूरा खोल दिया है, तो आप ये फ्रेंड्स मेरे ट्यूजर के हिसाब से देखो, क्लियर हो जा भाई। हाँ, ओके, ये जहाँ पर LK लिखा, ये कॉइल होती है। ओके, ये फ्रेंड्स कॉइल होती है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। इस कॉइल को आप लोगों को, यानी आपको इस कॉइल को शॉर्ट करना है, एक जंपर वायर की मदद से इसको शॉर्ट करना है, और इसमें कुछ आपको नहीं करना। आपका काम 100% होगा। ऑल मॉडल वीवो ओप्पो एनीबडी कोई भी मॉडल हो, आपको सिर्फ इतना ही काम करना है, आपका फ़ोन कंप्लीट वर्किंग होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। तो मैंने बैटरी को, उस कॉइल को मैंने शॉर्ट कर दिया। ओके, क्योंकि ये BSI लाइन ज़्यादातर दिक्कत करती है। ये आप देख सकते हो कि मैंने इसको अच्छे से, आप फिर से आप देख लो क्या शॉर्ट किया है। ओके, मैं ट्यूजर ज़रा देख, हाँ ओके, मैं ट्यूजर के हिसाब से मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो अगर क्लियरिटी ना अच्छी आए तो अपना रेजुलेशन बढ़ा लेना वीडियो का। ओके ओके, ये आप देख सकते हो कि इन दोनों को मैंने शॉर्ट किया, और अब हम इसको चेक करेंगे कि फ़ोन मेरा कंप्लीट वर्किंग कंडीशन पे आता है या नहीं आता है। ओके, तो जस्ट मैंने बैटरी को प्लग किया और मैं पावर ऑन कर रहा हूँ फ़ोन को। ओके, तो जस्ट फ़ोन पूरा कंप्लीट पावर ऑन हो गया है। ओके, तो आप देख सकते हो, अब मैं इसमें कुछ भी करूँगा, ये 65% बैटरी अब भी है, तो यानी अपना वर्क डन हो चुका है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा हो तो वीडियो कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर चैनल पर नए हो तो यार चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर किया करो। ओके, तो ये आप देख सकते हो कि मैं इसमें कुछ भी करूँगा, फ़ोन ये स्विच ऑफ नहीं होगा। अब मैं फ़ोन को रिबूट भी करूँगा इसको। ओके, मैं रिबूट करके भी जो है आपको मैं दिखा रहा हूँ। ओके, तो आप ये देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसा लगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, और इसी के साथ मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, और तब तक के लिए नमस्कार।